मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। श्रीदेवी की फिल्म मॉम ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी ओपनिंग की हो, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और मजबूत होती जा रही है। आपको बता दें कि मॉम को भी श्रीदेवी की पिछली फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की तरह पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है। बात करें अगर फिल्म की कमाई की तो मॉम ने शुक्रवार को 2.90 करोड़, शनिवार को 5.08 करोड़ और रविवार को लगभग 9 करोड़ का कलेक्शन किया है। शुक्रवार से शनिवार तक फिल्म ने लगभग 75% की बढ़त देखी है, जो कि काफी शानदार है। आपको बता दें कि श्रीदेवी माँ के किरदार में मॉम में मुख्य भूमिका में है। फिल्म में श्रीदेवी अपनी बेटी के साथ हुई घटना के बाद हालातों से लड़ती हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी देवकी नामक किरदार में है, जो दो बेटियों की माँ है और उनके पास एक परफेक्ट फैमिली है। खास बात यह है कि फिल्म का निर्माण श्रीदेवी के पति और फिल्म मेकर बोनी कपूर ने किया है। 7 जुलाई 1967 को महज 4 साल की उम्र में पहली बार तमिल फिल्म धुनीव के सेट पर पहुंची श्रीदेवी की मॉम उनके करियर की 300वीं फिल्म भी है। फिल्म समीक्षा के मुताबिक इस फिल्म की कहानी बहुत ही साधारण है, लेकिन इसे श्रीदेवी की बेहतरीन एक्टिंग ने असाधारण बना दिया है। इसी साल अप्रैल में रवीना टंडन की फिल्म मात्र रिलीज हुई थी, जिसका प्लॉट और कहानी सब कुछ मॉम जैसा ही था। इन दोनों फिल्मों की कहानी में कोई फर्क नहीं है, फर्क है तो उसे पर्दे पर उतारने की कला में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।